SYL का पानी जुड़ा हुआ है, हिंदी भाषी क्षेत्र जुड़े हुए हैं, उनके बारे में वो कुछ बोले नहीं है। तो ये जब भी कभी फैसला होगा तो एकल फैसला होगा, अलग अलग फैसले नहीं हो सकते। क्या लगता है कि जिसके वादे किए गए हैं उनसे कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश है? ये तो वादे हैं, वादों का क्या। नहीं, सरकार, पंजाब सरकार ने जो वादे किए थे कि 1000 रुपया देंगे, 300 यूनिट अपली करेंगे, क्या उन मुद्दों से हटाने की कोशिश करें? नहीं, ये के नहीं तो मैं अभी जो पंजाब सरकार आई है, क्योंकि ये शैशव काल में है, अभी इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, तो उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन जिस पार्टी से संबंधित है वो धोखेबाज पार्टी है, उसका जन्म धोखे से हुआ है। अन्ना हजारे के आंदोलन में कहीं पर भी एजेंडे में ये आइटम नहीं थी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाएगी, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने उस आंदोलन में लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए एक राजनीतिक पार्टी बनाई। तो ये तो जिस पार्टी का जन्म ही धोखे से हुआ है वो तो कदम कदम पर धोखा करती है। आज की बैठक के बारे में क्या कहेंगे? आज की जो बैठक रखी है, पूरी मैराथन बैठकें हो रही है, क्या मोटिव रखा गया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, इसमें हमेशा संगठन की मजबूती पर जोर दिया जाता है और समय समय पर ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं। पर हरियाणा के हित की बात या फिर हरियाणा में दस्तक देने की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, दूसरी तरफ SYL को लेकर कोई फैसला ना करना, दूसरी तरफ चंडीगढ़ को लेकर के ऐसा प्रस्ताव लाना, क्या हरियाणा के हित की बात? किसी भी पार्टी को हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में जाकर अपनी कार्रवाई करने का अधिकार है, पर मैं पूछूंगा आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में क्या बना, आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में क्या बना, आम आदमी पार्टी का गोवा में क्या बना, आम आदमी पार्टी का मणिपुर में क्या बना। पार्टी तो वही है, नेता वही है। पंजाब में हालात अलग थे, ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये कुछ लोगों की हार है। ठीक जी, ठीक है।